When it comes to importing your first product from China, so सबसे पहला नाम जो आपके दिमाग में आता है वो Alibaba. Alibaba is the largest B2B e-commerce website in the world. Unlike Amazon, ये एक wholesale B2B website है जहाँ से आप wholesale में product खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से manufacture करवा सकते हैं और private label भी करवा सकते हैं, यानी आप अपना खुद का logo लगा के उसको import करवा सकते हैं. Alibaba एक completely safe और legit website है जहाँ से आप bulk में order दे सकते हैं और import कर सकते हैं. Alibaba की शुरुआत 1999 में Jack Ma के द्वारा की गई थी और currently Alibaba group varieties of industries में operate करती है, जैसे कि Alibaba जो इनका flagship website है Taobao, Tmall, AliExpress और इनका खुद एक पेमेंट सिस्टम भी है अलीपे के नाम से. अलीबाबा भी मोर देन 150,000 एक्टिव सप्लायर है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक राइट सप्लायर से अपना गुड परचेज करें, क्योंकि इनमें से कई सारी ट्रेडिंग कंपनीज भी होती है जो कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरर नहीं होते, बस मिडलमैन बनकर बीच में बैठे रहते हैं, और इनसे अगर आप गुड्स परचेज करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा कंपेरेटिवली परचेजिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर. ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मिनी कोर्स होने वाला है, अगर आप लोग चाइना से कुछ इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं, फिर चाहे आप अलीबाबा से करें या डायरेक्ट सप्लायर से करें, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को एक ऐसा टैक्टिक बताने वाला हूं जो कि अलीबाबा के सप्लायर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए. इस वीडियो में मैं जो पॉइंट्स कवर करने वाला हूं आप लोगों को यहां स्क्रीन पर दिख रही होंगी. तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि अलीबाबा पे सप्लायर, एक जेन्युइन सप्लायर को ढूंढना कैसे है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का यही रहने वाला है कि एक जेन्युइन सप्लायर को अलीबाबा पे कैसे ढूंढना है. तो इसके लिए मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि जैसे ही अलीबाबा खोलना है तो उसके बाद आपको क्या करना है. तो जैसे ही आप अलीबाबा www.alibaba.com खोलेंगे तो उसको आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट सर्च करना है, जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूं कि मुझे जिम बैग चाहिए, राइट. तो सर्च रिजल्ट खुलने के बाद आप लोगों को ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे तीन टिक बॉक्स देखने में, इन टिक बॉक्स को आप जरूर 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 टिक कर लेना जब भी आप पहली बार इंपोर्ट करने जा रहे हो अलीबाबा से. तो सबसे पहले इन तीनों टिक बॉक्स को टिक कर लेते हैं, जो कि है आपका ट्रेड अश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर एंड लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स. तो सबसे पहले मैं वेरीफाइड सप्लायर के बारे में लोग बताता हूँ कि वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है. वेरीफाइड सप्लायर वो सप्लायर्स होते हैं जो कि अलीबाबा को अलग से प्रीमियम पे करते हैं फॉर द वेरीफिकेशन, और ये सारा वेरीफिकेशन जो है अलीबाबा एक थर्ड पार्टी के द्वारा कराता है, जो कि इनके ऑफिस, इनके फैक्ट्री में जाता है, सारी चीज़ें चेक करता है. और इन वेरीफाइड सप्लायर्स के वेबसाइट पे, मतलब आपको अंदर अकाउंट में जो इमेजेस एंड वीडियोस दिखेंगे वो अलीबाबा के द्वारा अपलोड की जाती हैं. तो ये वेरीफाइड सप्लायर्स काफ़ी ज़्यादा लिजिट होते हैं, इन लोगों को अलग से प्रीमियम अलीबाबा को पे करना पड़ता है. काफ़ी अच्छी इंस्पेक्शन होती है, बेसिक इंस्पेक्शन, R&D फैसिलिटी को चेक किया जाता है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ों को अलीबाबा के द्वारा चेक किया जाता है. तो वेरीफाइड सप्लायर्स को जरूर टिक करें. उसके बाद ट्रेड अश्योरेंस की बात करते हैं. ट्रेड अश्योरेंस अगर कोई सप्लायर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्वालिटी पे बहुत अच्छा ध्यान देने वाला है, बहुत टाइमली आपको डिलीवरी करने वाला है, क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, और रिस्पॉन्स जो है उसको, उस सप्लायर का आप लोगों को बहुत जल्दी आने वाला है. क्योंकि जब भी आप ट्रेड अश्योरेंस लेते हैं और आपका माल जब डिलीवर होता है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है और आप डिस्प्यूट रेज करते हैं, तो अलीबाबा मीडिएट करता है और उस सप्लायर के साथ बात करता है, और इन केस आप लोगों का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता है तो आप लोगों को, आपको जो है सारा पैसा रिफंड कर देती है अलीबाबा. तो ट्रेड अश्योरेंस को ज़रूर सिलेक्ट करें. बात करें लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स की, तो ये वो है जो सप्लायर आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे. अगर लेस देन 1 आवर है तो 2-3 घंटे में बहुत इजीली आप लोगों को रिस्पॉन्स आ जाता है इन सप्लायर्स को, मतलब है कि आप बहुत जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और आपका ऑर्डर फाइनल कर सकते हैं. साथ ही साथ आप एक चीज़ का ध्यान और ज़रूर रखें इन तीनों चीज़ों को टिक करने के बाद, सप्लायर को फाइनल बात करने से पहले, ये आप ये ज़रूर देखें कि ये सप्लायर जो है अलीबाबा में कितने सालों से है. मिनिमम 5 साल को आप ज़रूर रखें. इनिशियल आपके इंपोर्ट के टाइम पे मिनिमम 5 साल पुराना सप्लायर ज़रूर रखें. देखिए जैसे कि इस में दिख रहा है कि ये जो है आपका 7 साल से है अलीबाबा पे जो सेल कर रहा है, तो इससे पता लगता है कि ये जो सप्लायर है काफ़ी टाइम से अलीबाबा पे है और काफ़ी अच्छे इसके ऑर्डर्स जा रहे हैं. साथ ही साथ इनके रिव्यूज़ और क्वालिटी और कौन कौन से इन्होंने कंप्लाइंसेस ले रखे हैं वो भी एक बार नज़र ज़रूर मार लें. बट बेसिक जो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि ट्रेड अश्योरेंस होना चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स होना चाहिए, टिक होना चाहिए. उसके बाद जब आपका रिजल्ट खुल जाएगा तो उसके बाद ये देखिए कि वो सप्लायर एटलीस्ट अलीबाबा पे 5 साल पुराना होना चाहिए. तो इसमें बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत आएगी आपके फर्स्ट ऑर्डर में या बाद में भी आप अगर कोई बड़ा ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर में. तो इस तरीके से आप लोगों को जो है एक जेन्युइन लिजिट सप्लायर अलीबाबा पे मिल जाएगा. तो अब बात करते हैं कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है. तो देखिए जब भी आप कोई सप्लायर ढूंढेंगे और उसकी उसके पेज पे जाएंगे, मतलब उसको सप्लायर को ओपन करेंगे, तो हर एक सप्लायर पे जो है ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है. तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी से. देखिए ये मिनिमम ऑर्डर, ये जो सैम्पल बैग्स हैं इसमें 1 पीस है. मैं एक और सप्लायर खोल के दिखाता हूँ. इसमें भी ये देखिए मिनिमम ऑर्डर जो है 1 पीस है. कई बार जो है आप लोगों को मिनिमम जो सैंपल ऑर्डर करेंगे ना उस सैंपल पे आप लोगों को ये लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो
उसमें भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो बैग का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, कोई ऐसा आइटम है जो कि बहुत छोटा छोटा है, फॉर एग्जांपल नट स्क्रूज़ वगैरह, आपका नट स्क्रूज़ वगैरह आप ऑर्डर कर रहे हैं अलीबाबा से, आपकी नट स्क्रूज़ वगैरह की बिज़नेस है, हार्डवेयर का बिज़नेस है, तो आप नट स्क्रू वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहाँ पर मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी कई बार 1,000 पीसेस या 1 किलो 2 किलो रहता है, 5 किलो रहता है, तो उसमें भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं, और उनका जो सैम्पल प्राइस है उसमें भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अलीबाबा पे ऑलमोस्ट आप लोग हर चीज़ पे नेगोशिएट कर सकते हैं, ये एक तरह से आप डायरेक्ट सप्लायर से बात कर रहे हैं, कोई बीच में बंदा नहीं है, तो आप चीज़ों पे नेगोशिएट कर सकते हैं, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है हर सप्लायर की और हर प्रोडक्ट की अलग अलग हो सकती है। अब अगर मैं बात करूँ नेगोशिएशन की, मतलब जो आप इनिशियल मैसेज इन सप्लायर्स को भेजेंगे, तो उसका सबसे अच्छा आइडिया बताया क्या है, आपके जितने भी सप्लायर आपने शॉर्टलिस्ट किए उनको सबको अलग अलग टैब्स पे खोल लीजिए, उन सबको अलग अलग टैब्स पे खोल लीजिए, और जैसे ही आप उनके मतलब उनके पेज पे जाएंगे तो आप लोगों को ये जो कॉन्टैक्ट सप्लायर वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, और ये जो इनिशियल मैसेज है इसके लिए अपना एक सेट फॉर्मेट बना लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना एक सेट मैसेज बनाया था कि आई एम राइटिंग टू इंक्वायर द परचेज ऑफ जिम मैग मेड ऑफ हाई क्वालिटी, फ्रॉम यू सून एस एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू सून। ठीक, तो इस तरह से आप जो है इसी मैसेज को मल्टीपल सप्लायर्स को उनके जो इनिशियल मैसेज वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं और सबको भेज सकते हैं। जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट आती है, आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पता होगा, जहाँ पे भी आपकी कॉस्टिंग बनती है आप उनके साथ ऑर्डर जो है फाइनलाइज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। एक प्रो टिप और मैं आपको देना चाहूँगा, आप लोगों को जब भी आप अलीबाबा पे परचेस करने के लिए जाए, ऑर्डर देने के लिए जाए, तो उसके लिए एक अलग से ईमेल आईडी ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एक बंदे को वो करेंगे मैसेज करेंगे, तो उसके बाद आपको उसी से रिगार्डिंग मल्टीपल मैसेजेस और आएंगे, और इनके साथ भी मल्टीपल बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन चलेगी आप लोगों की। अलीबाबा से आप ईमेल पे मूव करेंगे, ईमेल से आप फिर वीचैट या व्हाट्सएप पे भी मूव कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपना एक सेपरेट ईमेल आईडी बना लें सिर्फ अलीबाबा से गुड्स को परचेस यानी सोर्सिंग करने के लिए। अब सैंपल ऑर्डर करना है या बल्क ऑर्डर करना है, भाई आप इतने दूर से इम्पोर्ट कर रहे हो जहाँ पे आप ना कभी गए हो ना जिससे मिले हो, तो ऑब्वियसली आप सैंपल ही ऑर्डर करोगे। सैंपल ऑर्डर में क्या होता है, मैं टेक्निक में आप लोगों को बताता हूँ सैंपल ऑर्डर का क्या होता है। सैंपल ऑर्डर में ये लोग जो है आप लोगों से एक एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं, जनरली वो ज़्यादा बताते हैं, बट उसको आप नेगोशिएट कर लेना सैंपल, और सैंपल पे हमेशा इनको बोलना कि मुझे DDP टर्म पे आप ये सैंपल भेज दो, और सैंपल जो है ये FedEx और DHL वगैरह से ये लोग भेज देते हैं, इनका खुद का प्रोप्राइटरी कुछ होता है तो वहाँ से भेज देते हैं, बट जनरली आप बोलना इनको कि FedEx और DHL या Aramex जो हमारे इंडिया में ऑपरेट करते हैं उनसे भेज दीजिए, उससे जल्दी आ जाएगा आप लोगों को, 8-10 दिन के अंदर आपका जो है डिलीवर हो जाएगा, और उनसे हमेशा से बोलना कि DDP या DDU में भेजें, तो वो आपका जो है शिपिंग कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है, जो भी आपका शिपिंग कॉस्ट होता है, जनरली सैंपल में यही चलता है रूल ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि या तो वो सैंपल कॉस्ट के अंदर ही आपको इंक्लूड करके दे देगा, या तो आपसे वो अलग से जो है डिलीवरी चार्जेस ले लेगा शिपिंग कॉस्ट के नाम पे। तो हमेशा सैंपल ऑर्डर करो, बाद में बल्क ऑर्डर करो। तो अब बात करते हैं कि फाइनल ऑर्डर देने से पहले एक बार ही क्रॉस चेक कैसे करना है कि आपने जिस जो सप्लायर चूज़ किया वो एक्चुअल में उसके पास फैक्ट्री है, एक्चुअल में उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि आगे जाके जब आप बल्क ऑर्डर देंगे तो मे बी सैंपल के टाइम पे आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, बट बल्क ऑर्डर के टाइम पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा प्राइसिंग पे। तो शुरू से ही हमेशा इसको अश्योरेंस कर लीजिए कि आपको जिसको भी आप ऑर्डर देने वाले हैं वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर है। और इसको क्रॉस चेक कैसे करना है, इसका बड़ा सही ट्रिक है, मैंने बहुत पहले सीखा था इस चीज़ को। तो आपको करना ये है कि सैटरडे वाले दिन ना, वहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 7 डे वर्किंग होता है, तो सैटरडे वाले दिन आप अपने 11 बजे के, और जो अपना चाइना है वो 2.5 घंटे आ गया है, तो आप अपने 11 बजे करेंगे तो उनको 11, 12, 1, 1.5 बजे नहीं लंच के टाइम पे उनको कॉल जाएगा, तो उनसे सबसे पहले तो आप स्काइप ले लो या अपना जो है व्हाट्सएप जो नेगोशिएशन चलेगा वो ले लेना, और लेके उस दिन आप उनको सीधा वीडियो कॉल कर देना, और वीडियो कॉल करके बंदा बिल्कुल फैक्ट्री में मौजूद होगा या ऑफिस में मौजूद होगा, उसको बोलना कि मुझे अपनी फैक्ट्री दिखा दो, सडन कॉल करना, एक उसको सरप्राइज़ होना चाहिए, सैटरडे वाले दिन उसको कॉल करो और बोलो कि मेरे को फैक्ट्री दिखा दो, अगर वो ऑफिस में होगा तो बिल्कुल आपको फैक्ट्री दिखा देगा, क्योंकि उन लोगों को क्लोज करना होता है, आप उसको जो भी बोलेंगे ना ऑर्डर क्लोज करने के लिए वो सब कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनके मार्केटिंग और सेल्स वाले, मैंने बहुत लोगों से ऐसा करके बात करी थी वीडियो कॉल पर ऑर्डर देने से पहले, तो ये बहुत सही तरीका है ये क्रॉस चेक करने का, जिससे आप ऑर्डर दे रहे हैं, जिसको आप ऑर्डर देने वाले हो वो एक्चुअल में सप्लायर है कि नहीं है।
पेमेंट किस तरीके से करनी है जब आप अलीबाबा से परचेज करते हैं, तो अलीबाबा से आप डायरेक्ट कुछ भी जाके नहीं खरीद सकते, उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उससे आपको बात करनी पड़ती है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। जैसे ही आप इस चीज़ पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ कि मुझे ये जिम बैग चाहिए, तो मैं जैसे कि ये जिम बैग मैं खोल लेता हूँ और जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, इस तरीके से आपको जो है एक RFQ, जैसे ही आप कुछ भी लिख के भेजेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको इसमें जो अपनी RFQ है वो डालनी है। RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कहते हैं। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का इसी पर्टिकुलर जो पेज आपने खोल रखा है उसके अगेंस्ट में RFQ चला जाएगा और आपका मैसेज उनके पास चला जाएगा। उसके बाद जो है ये अपनी तरफ से जो है पेमेंट लिंक जनरेट करते हैं। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मेरी इनसे बात हो रही थी, मैंने इस वाले बैग के अगेंस्ट में इनको RFQ सबमिट कर दिया था और मैंने बोला था कि मुझे एक पीस इस बैग का ख़रीदना है, तो हमारी बात हुई कि शिपिंग कॉस्ट वगैरह कितनी लगने वाली है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि बैग के कितने का वैल्यू है आपका बैग का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम्प्लीटली अलग होता है। जैसे कि देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फॉर सैम्पल वी नीड चार्ज यू द कॉस्ट 110 USD पर बैग विद शिपिंग। तो इन्होंने शिपिंग कॉस्ट को जो है बैग के अंदर इंक्लूड करके मुझे $110 का ये बताया बैग, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट जो है उस ज़्यादा खर्चा होता है जब आप छोटा आइटम मंगवाते हैं, छोटा प्रोडक्ट या सिंगल क्वांटिटी मंगवाते हैं। क्वांटिटी जितनी कम, शिपिंग कॉस्ट उतना ज़्यादा। तो पेमेंट करने के लिए मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट लिंक भेज दीजिए। उन्होंने पेमेंट लिंक क्रिएट कर दिया। जैसे ही आप पेमेंट लिंक पर क्लिक करें तो इस वाले पेज पर आपको लेके आया जाएगा और ये ट्रेड एश्योरेंस वाला ही पेज है। मैं नीचे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, प्रोडक्शन ऑन दिस ऑर्डर विथ ट्रेड एश्योरेंस। और आप इसमें, चलिए ये तो छोटा ऑर्डर है, बट बड़ा ऑर्डर करते टाइम आप एक तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मेंशन किया। जैसे व्यू कॉन्ट्रैक्ट में आप ऑप्शन में क्लिक करेंगे ना, ये व्यू कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि ट्रेड एश्योरेंस के अंदर कैसी कैसी कौन कौन सी कंडीशंस है, कैसे कैसे आपको कब डिस्प्यूट क्रिएट करना है इन केस ऑफ डिस्प्यूट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, इसको एज एक्सटेंडेड एज डिटेल में हो सके जब आप बल्क ऑर्डर करेंगे, तो उसमें ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन है, इसको बिल्कुल डिटेल में मेंशन करवाइए आपके सप्लायर से, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सप्लायर तैयार करता है, तो इसको एज डिटेल पॉसिबल इसको करवाइए। और पैकेजिंग वगैरह सारी चीज़ें इसमें मेंशन कराएँ किस तरह की पैकेजिंग होने वाली, क्योंकि कई बार पैकेजिंग में भी इशू आता है, इन ट्रांजिट में भी प्रॉब्लम आती है डैमेज में। तो ये पैकेजिंग वाला चीज़ तो आप पहले ही पूछ लीजिए कि किस तरह की पैकेजिंग होती है, मुझे आप पैकेजिंग का फोटो भेज दीजिए इनिशियली बल्क ऑर्डर देने से पहले। सैंपल में तो उतना, खैर ये सब सारी चीज़ें काम नहीं करती है। और ये सारा का सारा जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा का पूरा, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से ये प्रिंट दिस पेज है, और ये जो है मैं आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो इस तरीके से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से ट्रेड एश्योरेंस के अंडर में आपका पेमेंट जो है प्रोटेक्टेड रहता है अलीबाबा की तरफ से। मेक पेमेंट करते हैं। मेक पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जनरली लोग जब सैंपल इंपोर्ट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है क्रेडिट कार्ड से करने में, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करें उस पर इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिवेट रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड का नंबर वगैरह डालेंगे। इसके अलावा पेपैल है, वायर ट्रांसफ़र भी है। वायर ट्रांसफ़र में क्या होता है, कि वायर ट्रांसफ़र यानी स्विफ्ट ट्रांसफ़र। तो वायर ट्रांसफ़र में आपको आप इनके बैंक की डिटेल मिल जाएगी, बैंक की डिटेल वगैरह आप सारी ले लेंगे, बैंक की डिटेल में जाके फिर आप अपने बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। बट जनरली जब छोटी क्वांटिटी होती है, मतलब सैंपल वगैरह मंगवाते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सेफ है, कोई इशू नहीं है। आप देखिए, एज अ सेव इमेज भी कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेमेंट है ये बाद में होती है बैंक के थ्रू, तो ये आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, JP Morgan इनका बैंक है। तो इस तरह से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या तो इनका बैंक डिटेल ले लीजिए और बैंक डिटेल से एक जो अपना स्विफ्ट ट्रांसफ़र यानी TD ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अलीबाबा पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की चिंता मत करिएगा अलीबाबा पे, क्योंकि कम्प्लीटली सेफ वेबसाइट है। अगर आप चाहे सैंपल के लिए पेमेंट करें, चाहे आप बल्क ऑर्डर के लिए पेमेंट करें, इट्स कम्प्लीटली सेफ। आप बाद में डिस्प्यूट रेस करके कभी भी इसका रिफंड ले सकते हैं। रिफंड लेने का यही तरीका होता है, जब भी आपका ऑर्डर आ जाता है उसके 30 डेज़ के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने पेमेंट कर दी तो माल आएगा कि नहीं आएगा। कई लोग मेरे से ये पूछते हैं, वैसे ये पूछने वाला सवाल तो नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी वेबसाइट है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी B2B वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स हैं आपकी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए, जैसे ट्रेड एश्योरेंस मैंने बताया ही है,
और इसके अलावा भी जब भी आप ऑर्डर देंगे तो माल तो आपके पास पक्का आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि माल की क्वालिटी में कभी कभी, यानी आपके जो गुड्स आप एक्चुअल में बल्क ऑर्डर देते हो तो उस टाइम पे सैंपल में और गुड्स में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसको कैसे क्रॉस चेक करना है और इसको किस तरह से आप लोगों को प्रिवेंट करना है होने से। तो गुड्स तो बिल्कुल आएगा, कभी कभी क्वालिटी में 19-20 का फ़र्क रहता है। जब भी आप बल्क ऑर्डर देते हैं तो शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके हैं। अब वो सप्लायर बोलेगा कि मैं अपनी तरफ से शिपिंग कॉस्ट करूं या आप अपनी तरफ से करोगे। आपके पास कोई सप्लायर आपसे पूछेगा, आपके पास कोई एजेंट है तो उसको भेज दो। मैं जो है ये टर्म्स में आपको दे दूंगा। टर्म्स जनरली होते हैं एक्सवर्क्स, FOB, CIF। तो एक्सवर्क्स होता है कि आपने अपना खुद का एजेंट अपॉइंट किया इंडिया में, उसने अपने चाइना के काउंटर पार्ट को बोला कि ये हमारा पार्टी है, पार्टी का जो मैन्युफैक्चरर है वो इस सिटी में इस जगह पे है, आप मेरे को पूरा का पूरा शिपिंग कॉस्ट दे दो। तो एक्सवर्क्स का मतलब क्या होता है कि सप्लायर जो है आपके प्रोडक्ट को पैक करके अपने दरवाजे पे छोड़ देगा या अपने वेयरहाउस पे छोड़ देगा। आपका शिपिंग एजेंट ओवरसीज़ वाला, चाइना वाला जाएगा, वहाँ से आपको लोडिंग करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, चाइना पे कस्टम क्लियरेंस करेगा, फ्रेट अरेंज करेगा, इंडिया में आने के बाद आपका इंडियन एजेंट उसको कस्टम क्लियरेंस करेगा, पोर्ट अथॉरिटी के जितने चार्जेस है वो पे करेगा, फिर आपको ट्रांसपोर्ट करके आपके घर पहुंचा देगा। सो अगला और सबसे वाइडली यूज होने वाला जो टर्म है वो है FOB। FOB में क्या होता है कि आपका जो सप्लायर है ना वो ओरिजिन के सारे चार्जेस बेयर कर लेता है और सारी चीज़ें करवा देता है। मतलब आपका जो गुड्स है उसको पैक करेगा, लोडिंग करेगा ट्रक में, ट्रांसपोर्टेशन करवा के लेके जाएगा अपने पोर्ट तक, पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें करेगा और आपका जो है एयरलाइन को हैंडल करने के बाद या शिपिंग लाइन को हैंडल करने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इस केस में आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ये सारे कॉस्ट भी इंक्लूड कर देगा, विच इज़ लेबर का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट, पोर्ट में क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन और जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं ये सारी चार्जेस FOB के अंदर वो इंक्लूड कर देगा। और जो है लोडिंग कराने के बाद यानी शिप में या एयरलाइन को हैंडओवर करने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तीसरा और सबसे एक और वाइडली यूज़ होने वाला है वो है CIF। CIF में क्या होता है कि आपका जो इंडियन पोर्ट तक का खर्चा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सप्लायर की रहती है, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसमें आपका जो सप्लायर है वो गुड्स को पैक करेगा, ट्रांसपोर्ट करके पोर्ट पे लेके जाएगा, कस्टम क्लियरेंस कराएगा, शिपिंग लाइन या एयरलाइन को हैंडओवर करेगा, उसका फ्रेट भी बेयर करेगा। मतलब उसका जो उस गुड्स को चाइना से इंडिया में तक का जो सी फ्रेट या एयर फ्रेट है वो भी अपने गुड्स के प्राइसिंग के अंदर वो इंक्लूड कर देगा। तो और यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडियन पोर्ट तक आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहती है। तो ये 3 मेजर टर्म्स होते हैं जो कि जनरली जब भी आप बल्क में ऑर्डर करते हैं, कमर्शियल लेवल पे ऑर्डर करते हैं कहीं से भी, चाइना से छोड़ के, मतलब चाइना के अलावा भी कहीं से भी आप ऑर्डर करते हैं, तो ये 3 टर्म्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और चाइना से जब मैं बात करूँ तो जनरली FOB सबसे सेफ रहता है अगर आप इनिशियली कर रहे हैं, और आपका हम भी यही प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ का लोकल बंदा है तो क्लियरेंस वगैरह को उसको सस्ता पड़ता है। शिपिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रही है जब भी आप प्रोडक्ट को ऑर्डर देंगे? देखिए सैंपल के टाइम पे तो शिपिंग कॉस्ट ऐसा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी आप सैंपल के लिए उसको ऑर्डर देंगे तो वो आपको सैंपल को डिलीवर करने का शिपिंग कॉस्ट ऑलरेडी बता देगा, और अलग से आप सैंपल के लिए शिपिंग अपनी अलग से नहीं लगा सकते क्योंकि वह बहुत महंगी पड़ जाएगी। और अगर इन केस वो कभी कभी ये बोलता है कि आप अपना खुद का एजेंट हायर कर लो, तो उस केस में शिपिंग कॉस्ट जो है वो वेरी कर सकता है कि कहाँ से आ रहा है आपका, कहाँ पर फैक्ट्री है, पोर्ट कहाँ कितना दूर है, क्या प्रोडक्ट है, क्या वो डेंजरस गुड है, क्या वो ऑड डायमेंशन है। बट एक बेसिक थंब रूल मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शिपिंग कॉस्ट कितना रहने वाला है। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट सिर्फ 10,000 रुपये हो बट उसकी शिपिंग कॉस्ट 1,00,000 रुपये तक चले जाए क्योंकि उसका जो डायमेंशन है वो ऑड डायमेंशन है। अब मैं बताता हूँ, जो शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो प्रोडक्ट के वेट के ऊपर की जाती है, वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट। तो वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को अभी 1 मिनट में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स ले लेते हैं, ये बॉक्स का जो वेट है ये 2 किलो है। अब अगर मैं इसके डाइमेंशंस को यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है इनको इनटू करूंगा, एयर जब एयर फ्रेट कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट में तो डिवाइडेड बाई 6,000 कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद अगर वो जो एक्चुअल इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो अगर 5 किलो आता है तो इसका वेट 5 किलो कंसिडर किया जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है वो 1 किलो आता है तो इसका वेट एक्चुअल जो वेट है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट और एक्चुअल वेट में जो भी हायर साइड में होता है उसको शिपिंग कॉस्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बहुत ही मैंने बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दिया कि शिपिंग कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करना है। बट जब भी आप बल्क में ऑर्डर करें तो अपना कोई इंडियन एजेंट हायर करें, वो आपको बता देगा कि शिपिंग कॉस्ट के अंदर और भी बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हैंडलिंग चार्जेस हो गया, पोर्ट अथॉरिटी चार्जेस हो गया, बहुत सारे चार्जेस होते हैं अलग अलग, इवन अलग अलग पोर्ट पर अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं। तो अपना जो शिपिंग एजेंट है उसको ज़रूर हायर करें और उससे एडवांस में पता कर ले कि मेरा इतना, क्योंकि जब भी आप ऑर्डर देंगे
और सप्लायर आपको बता देगा कि पैकिंग करने के बाद इसका ऑर्डर कितना, इसका वेट कितना रहने वाला है, इसका कितना डायमेंशन रहने वाला है, कितना बॉक्स रहने वाला है, वो सारी डिटेल आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर या CHO को देंगे तो वो आपको पूरा का पूरा कॉस्ट बता देगा कि कितनी कॉस्टिंग आपको लगने वाली है फैक्ट्री से लेकर आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचाने में। कस्टम क्लियरेंस कौन कराता है? देखिए कस्टम क्लियरेंस के दो तरीके हैं। अब अगर आप छोटे लेवल पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब इनिशियल लेवल पर 5-10 हज़ार एक या छोटा मोटा क्वांटिटी इम्पोर्ट कर रहे हैं 50-60-70 हज़ार रुपये तक का, तो जनरली क्या होता है कि जो आपका सप्लायर है वो आपको DDU यानी डिलीवरी ड्यूटी अनपेड का ऑप्शन दे देता है। उसमें क्या होता है कि सप्लायर जो है पैक करके फेडेक्स को हैंडओवर कर देता है, फेडेक्स गुड्स को लेके आता है यहाँ पे, फेडेक्स ही कस्टम क्लियरेंस कराता है, फेडेक्स ही सारी चीज़ें करता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, मतलब जो भी इनवॉइस आपका बनेगा, जो भी इनवॉइस सप्लायर आपका बनाएगा आपके नाम पे, वो आपके प्रॉपर फर्म के नाम पे होना चाहिए, प्रॉपर IC वगैरह डिटेल्स वगैरह सारी ठीक होनी चाहिए। उसके बाद वो फेडेक्स को हायर करता है, फेडेक्स को डब्बे जो है प्रोडक्ट जो है वो हैंडओवर कर देता है, फेडेक्स ही सब कुछ उसके बाद का सब कुछ फेडेक्स करता है, फेडेक्स ही ट्रांसपोर्टेशन करता है, ओरिजिन पे कस्टम क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, फ्रेट अरेंज करना, इंडिया में लेके आना, इंडिया में लेके आने के बाद उसको इंडिया में कस्टम क्लियरेंस कराना, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन करके आपके घर तक छोड़ना, ये सारी चीज़ें फेडेक्स या DHL खुद करता है। बस इसमें जो है ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। तो छोटे लेवल पे कस्टम क्लियरेंस इस तरीके से होता है। और जब मैं बात करूँ बहुत बड़े लेवल की, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में आ रहा है, उसका जो ओवरऑल वेट है वो 500-600 kg जा रहा है, तो उस केस में इट्स बेटर कि आप जो है किसी CHO को अलग से हायर कर ले, वो आपको अच्छा सर्विस भी देगा, एक डेडिकेटेड सर्विस देगा। क्योंकि जब आप बात करते हैं फेडेक्स की और CHO के बीच की मेन डिफरेंस की, तो मैं बोलूँगा कि डेडिकेशन, मतलब आपको जो एक डेडिकेटेड सर्विस मिलती है, आप डायरेक्ट कभी भी डिले होता है तो आप डायरेक्ट किसी एक बंदे को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है CHO के मामले में, फेडेक्स के मामले में वही कस्टमर केयर को फोन करो, मेल करो, बैक एंड फोर्थ चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पे भी एक थंब रूल होता है कि 45 kg से नीचे का कोई भी प्रोडक्ट है तो हम जनरली बोलते हैं कि आप फेडेक्स से करा लो, फेडेक्स आपको ईजी, 45 kg और आपका 1.5-2 लाख रुपये तक का कोई भी प्रोडक्ट है तो आप फेडेक्स से इम्पोर्ट करा लो, वो बहुत ईजी रहता है और आपको कन्वीनियंट भी पड़ता है और चीप भी पड़ता है। कस्टम्स ड्यूटी कितनी लगेगी? तो कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, यही सबसे बड़ा कस्टम्स ड्यूटी का एक्चुअल पार्ट है। पहले बहुत सारी ड्यूटी हुआ करती थी बट अब सिर्फ BCD रह गई है, तो BCD 5, 15, 25, 35% हो सकती है। BCD हो गया सबसे मेजर पार्ट कस्टम्स ड्यूटी का। उसके अलावा होता है SWS यानी सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये BCD का ही 10% होता है, यानी 0.5%, 1.5%, 2.5%, 3.5%। इसके अलावा GST पे करनी पड़ती है, GST आपकी 18% रहती है मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स में, किसी किसी गुड्स में ये कम हो गया 12% भी हो जाती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स में 18% रहती है। जनरल गुड्स की बात करूँ तो जो BCD होती है वो जनरली आपकी 5%, 10% और 15% के बीच में फ्लक्चुएट करती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ड्यूटी इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ड्यूटी के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है और आगे भी वीडियो लाता रहूँगा कि ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप बल्क में ऑर्डर करें तो वो देख ले कि वो जो भी आप आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें इंडिया में कौन कौन से कंप्लाइंसेस लगते हैं, क्या वो किसी कंप्लाइंस के अंडर आता है। कस्टम्स ड्यूटी तो बात की बात है, अगर आप वो कंप्लाइंस पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टम से क्लियरेंस होगा ही नहीं। तो इस तरह से कस्टम्स ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है। जब भी आप जनरली बल्क में ऑर्डर करते हैं तो आपका CHO आपको पहले ही बता देता है ऑर्डर प्लेस करने से पहले कि इसकी कितनी कस्टम ड्यूटी इंडिया में लगने वाली है, तो ये भी आपको पहले से पता लग जाता है जिसके हिसाब से आप अपनी कॉस्टिंग तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा। कस्टम ड्यूटी जनरली मतलब कस्टम ड्यूटी आप ही को पे करना पड़ेगा, फिर चाहे वो फेडेक्स गुड्स को लेके आए या आपका डेडिकेटेड CHO लेके आए। जब वो इंडियन ओरिजिन पे आएगा कस्टम क्लियरेंस करा देगा तो फेडेक्स क्या करेगा, आपको इनवॉइस रेज कर देगा, इनवॉइस के अगेंस्ट आपको जो है फेडेक्स को पेमेंट कर देनी है उनके जो भी वो अकाउंट डिटेल देंगे उस पे। और इन केस ऑफ डेडिकेटेड CHO आपको वो या तो खुद के अकाउंट में पेमेंट मंगवा देगा अगर आप डायरेक्ट कस्टम्स को पेमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि डायरेक्ट कस्टम्स को पेमेंट करने का भी ऑप्शन होता है ICEGATE के थ्रू। अगर आप उस झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो जनरली CHO लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे पेमेंट मतलब हमारे अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए, हम आपके बिहाफ में जो है कस्टम्स मतलब कस्टम्स जो ड्यूटी है वो पे कर देंगे। तो इस तरीके से कस्टम्स ड्यूटी पे की जाती है। फेडेक्स के मामले में आपको फेडेक्स के जो भी अकाउंट होगा, फेडेक्स का अकाउंट, फेडेक्स का खुद का कंपनी का अकाउंट, उसमें पेमेंट ट्रांसफर करना होगा, फेडेक्स वहाँ से आगे आपके बिहाफ पे कस्टम्स ड्यूटी पे कर देगा। इन केस ऑफ डेडिकेटेड CHO या तो आप डेडिकेटेड CHO के अकाउंट में पे करेंगे या तो डायरेक्ट कस्टम्स को पे कर देंगे आपकी बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट में। तो इस तरह से कस्टम ड्यूटी पे की जाती है।
अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। सर लोकल ट्रांसपोर्टेशन कुरियर यानी फेडेक्स के मामले में फेडेक्स खुद ही करता है, आपके घर तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी फेडेक्स की होती है। DDU में यानी डिलीवरी ड्यूटी अनपेड, आपको टर्म से ही पता लग रहा है। इनके सब डेडिकेटेड CH है, क्लियरेंस कराने के बाद उनका खुद का वो होता है ट्रांसपोर्टर, वो करवा के आपको घर तक पहुंचा देता है। ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अ बिग डील। ट्रांसपोर्टेशन लोकल ट्रांसपोर्टेशन या तो आपको CH करेगा या तो फेडेक्स के मामले में फेडेक्स खुद करेगा। अब वीडियो का लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका आइटम पहुंच गया और उसमें क्वालिटी में कोई कंट्रोल आया तो किस तरह से आप डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आप ऑर्डर प्लेस करें इन केस ऑफ अलीबाबा, तो जब भी आप ट्रेड अश्योरेंस से आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो सारे डिटेल बहुत ही स्पेसिफिक वे में वहाँ पर डिटेल में डालिए कि आपने क्या ऑर्डर प्लेस किया है, कितनी मतलब बैग्स हैं। जैसे मैं जिम बैग की बात करता हूँ तो जिम का स्ट्रैप कितना वेट उठा सकता है, जिम की पॉलिएस्टर की थिकनेस क्या है, क्वालिटी क्या है, जो भी स्पेसिफिकेशन आपको पता होती है सारी स्पेसिफिकेशन मेंशन करिए। क्योंकि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि यही जो चीज़ है ना, इसी चीज़ में जो है सप्लायर आप लोगों के साथ खेल जाता है। आपको सैंपल कुछ और भेजता है सप्लायर और जो है एक्चुअल प्रोडक्ट में वो क्वालिटी कम कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिम बैग की बात करूँ तो उसने हो सकता है कि मेरे को सैंपल भेजा बहुत अच्छी क्वालिटी का, एट द टाइम ऑफ बल्क ऑर्डर उसने जिपर खराब क्वालिटी का लगा दिया या जो फैब्रिक है वो खराब क्वालिटी का लगा दिया, जो स्ट्रैप्स है वो खराब क्वालिटी का लगा दिए। तो मैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो कि मैं ट्रेड अश्योरेंस के थ्रू पे करूँगा, उसमें उनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं ट्रेड अश्योरेंस में, उसमें मैं कंप्लीटली स्पेसिफिक वे में मेंशन करूँगा कि क्या क्वालिटी रहने वाली है, कितने डेज में वो डिलीवर करने वाला है, कैसे कैसे सारी चीज़ें चलने वाली है। इसमें भी एक चीज़ ये होता है कि जब आप ट्रेड अश्योरेंस के थ्रू पे करते हैं सिर्फ आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है क्लेम करने का, तो हमेशा उसको भी आप जो है ट्रेड अश्योरेंस में मेंशन कर दें कि जो प्रोडक्ट है ये आपके पास कब पहुँचा है और कब वहाँ से निकला था, क्योंकि प्रोडक्ट पहुंचने के बाद 30 डेज़ के अंदर ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखें, जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट पहुंचे तो क्वालिटी चेक कर ले, सारी चीज़ें चेक कर ले। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट आप सीधा जाइए अलीबाबा पे डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, अगर और फिर उसके बाद अलीबाबा मीडिएट करेगा अगर कोई भी आपका इशू होता है, और अगर आपने ट्रेड एश्योरेंस ले रखा है तो आपको फुल रिफंड भी मिल सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। जनरली ये जो सप्लायर्स हैं अलीबाबा के यही करते हैं, सैंपल कुछ भेजते हैं, एक्चुअल बल्क क्वांटिटी के टाइम पे जो क्वालिटी है उसको कई बार वो कम। आई होप कि आप लोगों को अलीबाबा से और फर्स्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, और ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ईजिली अलीबाबा से इंपोर्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। साथ ही साथ आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम रेगुलरली रील्स और शॉर्ट वीडियोस डालते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।